राजधानी रायपुर से अस्पताल प्रबंधक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आई युवती गायब हो गई है। अम्बेडकर अस्पताल प्रबंधक इस पर कुछ कहने से बच रहा है। हैरानी की बात यह है कि सविता जोशी बचपन से दिव्यांग है, जो किसी से कह बोल नहीं सकती, लेकिन दिव्यांग अस्पताल की लापरवाही के कारण वह गायब हो गई है। जानकारी के मुताबिक छहरी खैड़ी निवासी कविता जोशी उम्र 35 वर्ष आज शाम को इलाज कराने अम्बेडकर अस्पताल गई हुई थी, जिसके बाद अचानक वहां से गायब हो गई। अस्पताल का कैमरा देखने की बात सामने आई तो प्रबंधक ने तकनीकी खराबी बताकर इसे टाल दिया, जिसकी सूचना परिजनों ने मौधापारा पुलिस को दी है। मौधापारा थाना प्रभारी लक्ष्मी जायसवाल ने बताया कि अम्बेडकर अस्पताल में इलाज कराने आई युवती लापता हुई है। कुछ देर पहले परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। आसपास के इलाकों में तलाश की जा रही है। पूरे मामले की जांच कर गुम इंसान का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।